एंड वेलकम बैक टू हॉज फॉर स्टडी। हम लोग बात करेंगे आज सॉल्ट मार्च के बारे में। जी हाँ, सॉल्ट मार्च के बारे में हमें तीन बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने ये तीन बातें जान ली तो हमारा सॉल्ट मार्च का पूरा टॉपिक खलास। वो तीन बातें क्या हैं? वो तीन बातें हैं कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, एंड सेकेंड वन सॉल्ट मार्च में हुआ क्या क्या, एंड थर्ड वन उसका आउटकम क्या निकला। तो शुरू करते हैं हम लोग सॉल्ट मार्च के स्टार्ट करने का रीज़न क्या था। क्या था रीज़न अभी जानते हैं हम लोग। रीज़न इसका यह था कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च किए थे, लेकिन मूवमेंट में कुछ कमी के वजह से हर बार मूवमेंट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ वजहों से उनका मूवमेंट फेल हो जा रहा था। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनका मूवमेंट फेल क्यों हो जा रहा है। तो उन्हें समझ में यह आया कि कहीं ना कहीं लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, एंड मूवमेंट उनका टाउन एरियाज में तो फेमस होता है लेकिन कंट्री साइड में फेमस होने से चूक जाता है। कंट्री साइड मीन्स गांव क्षेत्र, ओके। तो उन्होंने यह सोचा कि मतलब इसका रीज़न तो ये निकल रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं और गांव तक में मूवमेंट फेमस नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कोई एकदम डीप इशू लेते हैं कि जिसमें हर तरह के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो उन्हें आइडिया आया सॉल्ट का जो इशू है उसे उठाने का। सॉल्ट टैक्स मतलब उस टाइमिंग में लगता था, ब्रिटिशर्स सॉल्ट टैक्स लगवाते थे, एंड उनका ये रूल था कि वो लोग ही बस सॉल्ट बना सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बस सॉल्ट बना सकती है एंड उसका प्रोडक्शन कर सकती है। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि इस पे मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा है कि जो गरीब से गरीब है वो भी खाते हैं सॉल्ट, जो अमीर से अमीर है वो भी खाते हैं सॉल्ट। तो उन्होंने सोचा ये मुद्दा अच्छा है, ये बहुत ही कंक्रीट इशू है, इस पे सब लोग बढ़ चढ़ कर मतलब अपना भाग लेंगे, हिस्सेदारी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उन्होंने अब इसे अंजाम देने का प्लान सोचने लगे वो, कि कैसे इसको स्टार्ट करें, इस मूवमेंट को, सॉल्ट मार्च को। तो उन्होंने सोचा कि मतलब गांधी जी भी तो डरते ही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें भी तो कोई एक्सक्यूज़ देना ही पड़ेगा, कोई बहाना कि हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, तो उनको इन्होंने 31 जनवरी को 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा। उसमें उस डिमांड में क्या था कि मतलब कुछ जनरल इशूज़ का मुद्दा उठाया गया था, एंड पीपल ऑफ ऑल क्लासेस का जो भी इशूज़ है वो उठाया गया था। तो इसी तरीके से 11 डिमांड हो गया था उस लेटर में। तो उसमें एक सॉल्ट इशू भी था, मेजर इशू, और वो चिट्ठी उन्होंने भेजा, और उसमें उन्होंने क्या बोला कि ये चिट्ठी का जो डिमांड है 11 डिमांड्स, इसे 11 मार्च तक पूरा कर देना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए ये लेटर। अगर नहीं हुआ ये लेटर एक्सेप्ट 11 मार्च तक, तो हम लोग एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, लॉर्ड इरविन ने ये 11 डिमांड्स का लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, इसे नेगोशिएट कर दिया। तो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च के थ्रू।
तो इसके स्टार्ट करने का रीज़न यही था। अब जानते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। तो हुआ क्या क्या कि गांधी जी ने तो सबका माइंड डाइवर्ट कर ही दिया था सॉल्ट इशू को उठा के, कि मीन्स हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया के होते हुए हम लोग नमक नहीं बना सकते, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं, वो बना सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं कर सकते। तो ये सब जानने के बाद, सबको समझाने के बाद, ये सॉल्ट मार्च आखिरकार स्टार्ट हुआ। मीन्स कि ये तो बताया ही मैंने कि एकदम डीप इशू था, तो इसलिए भी लोग तो पहले ही माने हुए थे, और ये भी एक बात था कि सबको मतलब समझ में आ रहा था कि ये एक बात है कि हम लोग इंडियंस हैं, और मतलब इंडियंस होते हुए भी हम लोग नहीं इंडिया का मतलब नमक बना सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बना सकते। तो इसमें भी सबका गुस्सा था, और इसमें सारे क्लास के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एंड उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। कब उन्होंने स्टार्ट किया? 12 मार्च को सॉल्ट मार्च। एंड जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इसमें थे 78 वॉलेंटियर्स, मात्र 78। एंड इनका मोटो था कि साबरमती आश्रम से लेकर उन्हें 240 माइल्स की दूरी तय करनी थी, कहाँ तक के लिए? कोस्टल टाउन है एक गुजरात का डांडी, वहाँ तक, मतलब साबरमती से कोस्टल टाउन डांडी तक पहुँचने में 240 माइल्स लगता है। तो उन्होंने इसे पूरा कैसे किया? उन्होंने पूरा कुछ इस तरीके से किया कि वो लोग रोज 10 माइल्स चलते थे, तो उन्होंने 240 माइल्स 24 दिनों में पूरा कर लिया। जब वो पहुँचे 6 अप्रैल को, तो उन्होंने क्या किया सॉल्ट लॉक को ब्रेक कर दिया। कैसे? वहाँ पहुँचे वो लोग, फिर उसके बाद गांधी जी ने बॉइलिंग सी वाटर से सॉल्ट बनाया। एंड जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मात्र 78 वॉलेंटियर्स थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, रूल को उन्होंने तोड़ा, तब वहाँ पे हजारों की मात्रा में लोगों की भीड़ थी, एंड वो लोग अप्रिसिएट भी इस बात को कर रहे थे। ओके, फिर गांधी जी ने वहाँ पे भी अपना भाषण दिया लोगों को मोटिवेट करने के लिए। देन इसका आउटकम क्या हुआ कि रूल तो ब्रेक हो ही गया, सॉल्ट हमने बनाया ही, इसका प्रोडक्शन भी हमने किया। फिर ये देखा जब सभी ने गांधी जी का ये बड़ा स्टेप देखा सभी ने, तो देश के हर हिस्से में लोग इसको अपनाने लगे, सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ जो था, इसको तोड़ने में लग गए। एंड उन्होंने ये मतलब प्रैक्टिस भी किया, मतलब देश के हर हिस्से में ये सॉल्ट लॉ तोड़ने का उन्होंने किया था, तो सक्सेसफुल भी हुआ था ये। तो हमें तो बस ये तीन बातें जाननी थी, हमने जान लिया। इसके आगे भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट मार्च की, तो सॉल्ट मार्च में ये तीन चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, मीट यू सून।